और वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का कहना है कि उनकी जीत तो पहले ही सुनिश्चित थी, लेकिन कुछ सोशल मीडिया और मीडिया के वर्ग के लोगों ने विरोध की खबरें चलाई। उनसे बात की हमारे सहयोगी विनोद लांबा ने। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर जी हमारे साथ हैं। सर, बढ़िया शानदार जीत रही, मार्जिन तो बहुत बड़ा चला गया, जिस तरह की हवा थी, जिस तरह की खबरें थी, वो सब गलत साबित हुई, आखिरकार आप फिर जीत के साथ आए हैं। नहीं नहीं, गलत साबित कहाँ हुई, वो तो एक सोशल मीडिया ने, कुछ एक ग्रुप ने पैसे लेकर जो लोगों से विरोध दिखा रहे थे, लोगों ने नहीं माना, उसको बुरा माना। और हम मानते थे 2,70,000 से लीड जाएगी तो 4,44 को भी क्रॉस करेगी। इस बार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर और प्रदेश की जनता ने मनोहर लाल पर विश्वास करके 1 और 1 11 का रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट आते ही आप चले गए खाटू श्याम, कहते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये मैसेज क्या था? ये तो मैं शुरू से जाता हूँ, ये तो मैं हमारा एक ये मान के चलो, जहाँ हमारी आस्था है वहाँ मैं हर बार जाता हूँ, इस बार नहीं, हर बार। नंबर 2 पर श्रुति रही और नंबर 3 पर जेजेपी वाले कह रहे थे कि बड़ी फाइट देंगे, कैसे देखते हैं पूरी फाइट को? और जैसे आपने पहले ही बता दिया कि प्रचार भले ही किया जा रहा हो, लेकिन मेरी वोट बता रही है कि लोगों कितना सही हो। तो सिर्फ मीडिया का जो भी था, और मीडिया टोटल टीवी की सर्वे में तो एग्जिट पोल में हमने 10 की 10 दिखाई, हमने ठीक दिखाई थी। कुछ एक चैनल, मैं कहता हूँ ये चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो आजकल और सोशल मीडिया बना रखे हैं ना, आजकल लोग उन पर पैसा खर्च करते हो, अब तो फिर एक कुर्सी की भी आस होगी। तो धर्मवीर साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीत जो हुई है वो निश्चित तौर पर तय थी, लेकिन कुछ मीडिया ने इस तरह से प्रचारित किया था और ये नतीजे बता रहे हैं कि किस तरह की उनकी जीत थी। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।